Hey guys, welcome back to my new YouTube video, Punit Vlogs. तो कैसे हो आप सब? तो guys देखो, मैंने बाल बाल कटवा लिए, एकदम लग रहा हो ना बढ़िया। और आज भी मैंने जा रहा हूँ शादी में। अब मैं घर आना, मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, 9 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ शादी में। हमारा दोस्त है एक, उसकी सिस्टर की शादी है, तो वो मैंने अपने वो वाले शूज़ कैरी करे हैं और जींस, और ये अभी दिखाता हूँ शीशे में। और भी फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल निशी आ रही है घर पे, क्योंकि उसको कुछ सामान है, क्योंकि कल उसको कुछ सामान वामान लेना है, इस वजह से वो आ रही है। तो कह रही घर के बाहर आ जा, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चल आ जा फटाफट से। और मम्मी तो है नहीं घर पे, मम्मी गई है अभी कहीं काम से नानी के घर मासी के साथ, क्योंकि कुछ काम था। और यार मेरी खांसी सही नहीं हो रही, बस बाकी कमेंट करके बताना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, ये देखो। ओके और ये देखो पूरा दिखाता हूँ भाई गाइस। और यहाँ पापा देख रहे हैं ये पुरानी फिल्में वहाँ लेट के, और मैं यहाँ जा रहा हूँ शादी में। यो ब्रो आ गई है, मोटी कर लो शादी में, सोट के सीधा यही आ गया। और कुछ काम नहीं है क्या तेरे को? इधर से उधर, इधर से उधर। मैं तो तू ही आई है, मैं आई हूँ, मैं आई हूँ। तो गाइस निशी जा रही है अब घर, ये देखो अभी भी लगी बढ़िया। बैठ जा। हैप्पी बर्थडे कमेंट कर दो, क्यों कर दो जबरदस्ती है। बाय। ओ तेरी पूछ लटक रही है। पूछ गाइस। तो हम आ गए शादी में, और शादी में जब आ रहे थे तब कुछ हो गया था सीन, अभी वो घर जाके बताऊंगा। और ये भाई हमारे सब सारे बाकी वो लोग पीछे है, बाकी रिंकू वगैरह सब आ रहे हैं रस्ते में ही है, मिलते हैं भाई। गाड़ी लगा दो गाइस, अभी सब आ रहे हैं। बाकी सीन हो गया था कुछ ऐसा, हमारा रोना भाई है, इसकी स्कूटी ठोक दी बस वाले ने। बस वाले ने ना पी के चला रहा था। तो गाइस हम लोग आ गए पुआ के, बताया था ना पुआ के घर आज बात है। तो मेरी हमारी मम्मी, ये देखो मौसी, ये मौसी है, ये वो है मम्मी, बाकी ये सब फैमिली वगैरह है। मम्मी ने देखो भाई साहब, आ गई हमारी बुआ। बाकी पूरी फौज आ जा रही है। टीका वीका, और ये देखो हमारी मम्मी कैसे बैठी है। तो गाइस यहाँ चल रहा है सबका खाना पीना। और ये देखो मैं कौन हूँ तेरा? तू मेरा कौन है? छोटा भांजा है। कौन है तू मेरा? छोटा भांजा। कौन है तू मेरा? छोटा भांजा। बड़ा भांजा लविश है।
और कुछ छोटा वांजा। अब बता कौन है तू मेरा? छोटा भांजा बोल बोल, कुछ छोटा भांजा है बोल, कुछ छोटा भांजा है। हाँ गाइस देखो आर्टिफिशियल मेकअप, और जीजू वहाँ इसका इंतजार कर रहे हैं, ये यहाँ बैठी हुई है अपना वजह से बातों में लग रही है ये। ओए जीजू बताओ क्या कह रहे, तू सबसे मिल रही थी ना, जीजू कह रहे किसी को जानती भी है बिना मतलब में जा जाके मिल रही है। गाइस दीदी जा रही है अपने घर, फिर हम भी जा रहे हैं, हमने अपनी कैब कर दी है। तो गाइस हम सब आ गए गाड़ी में, देखो मम्मी देखो बाय बाय कर दो, बाय बाय नक्शे कौन है बाय बाय तेरे बलो। देखो गाइस देखो गाइस लड्डू पूरे खा। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब? तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता था मेरी स्कूटी काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी हुई थी, क्योंकि यार सही कराने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मैं स्कूटी सही करवाने आई है, मैंने कहा यार बिना स्कूटी के तो कुछ भी काम नहीं होता, स्कूटी सही करवाना तो बनता ही है। तो जैसे मैं अपनी स्कूटी सही करवाने, बताओ कितनी दूर आया हूँ? चिराग दिल्ली, क्योंकि मैं यहीं से करवाता हूँ, ज़्यादातर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मैं चिराग दिल्ली से ही सही करवाता हूँ। तो गाइस मैं आ गया चिराग दिल्ली स्कूटी सर्विस करवाने। और आप लोगों को पता ही होगा कल 6 तारीख है, कल मेरा बर्थडे भी है, तो उसकी भी प्लानिंग वगैरह कुछ करनी है। अभी तो कुछ भी नहीं करी, ना जगह डिसाइड हुई है अभी प्रॉपर ना कुछ, तो जगह भी डिसाइड करनी है और सबको। गाइस बर्थडे सेलिब्रेट तो कहीं और करना था, लेकिन वहाँ पे कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो हमको खाने के लिए चाहिए ना वो वहाँ मिल नहीं पा रहा, चिकन वगैरह, तो इस वजह से अब हमने कहीं और देखा है, कहीं लॉन्च वगैरह में डिसाइड करा है। ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी छोटी सी पार्टी करेंगे, क्योंकि 6 तारीख को मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है, तो वहाँ भी जाना कंपल्सरी है। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, बाकी बहुत आफत लग रही है बर्थडे आ रहा, तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो गाइस स्कूटी हेरी काफ़ी टाइम बाद आपको देखने को मिली होगी, ये देखो पूरी हिल रही है यहाँ से भी। इसको सही करवानी है, पूरी टूट फूट हो रही है, तो इसको एक बार ही पूरी कंप्लीट फाइनल करवा देंगे, फिर इसके बाद इसको बहुत कम चलाया करूँगा, क्योंकि ये वाली बड़ी नसूम सी है स्कूटी। तो उसके बाद अब सोच रहे हैं नई स्कूटी लेने के लिए, देखते हैं जो भी होगा बाकी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये हमारी स्कूटी इतनी बुरी कंडीशन हो रही है, पूरी टूट रही है यार ये, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था बीच में, इस वजह से पूरी टूट गई, और इसका इंजन वगैरह का भी कुछ काम होगा। मैंने कम से कम इसको पता नहीं कितने टाइम बाद निकाला है, देखो हालत देखो इसकी क्या हालत हो रही है, एकदम गंदी। तो अब इसको सही करवाएंगे यहाँ, और फिर चमक जाएगी रानी। इसको एक दो दिन बाद ले जाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा सही होने के लिए, तो उसको भी मैं खाली डाल के जा रहा हूँ, ले जाऊँगा इसको एक या दो दिन के बाद ले जाऊँगा जब ये सही हो जाएगी। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। उस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाइस कमेंट करके बताना कि मैं शादी पे गया था तो कैसा लग रहा था। बाय बाय।